नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन द्वारा लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम प्रगतिवादी युग कर रहे थे और प्रगतिवादी के 512 प्रश्न हो चुके थे। अब 512 नंबर का जो प्रश्न था वो मैं आप लोगों को सवाल के रूप में दिया था कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो काफ़ी बच्चों ने बताया, लेकिन मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। 512 का स्वर्गोद्धान, स्वर्गोद्धान बिना सांप, ये रचना किसकी है? तो आपके चारों ऑप्शन लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है आपका यशपाल, दूसरा था अजित कुमार, तीसरा था प्रभाकर द्विवेदी और चौथा राहुल संस्कृत्यायन। 512 का आपका जो उत्तर है वह है पहला यशपाल। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जो डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, तो जो बुक्स में आंसर दिया है मैं उसी के आधार पे आप लोगों को इसको कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं जोड़ता। क्यों नहीं जोड़ रहा? क्योंकि ये पुस्तक खुद प्रमाणित है। हाँ, एक दो क्वेश्चन के आंसर प्रिंट गलत हो सकते हैं। अगर गलत प्रिंट है तो आप उनको ध्यान दीजिएगा, थोड़े से आप उनको समझिएगा। अगर मुझे कहीं पर मेरी नज़र में आ जाते हैं वो उनको कंप्लीट कर देता हूँ। तो अगर 2-3 हज़ार प्रश्न हैं जिसमें से मैं लगभग 2000 प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूँ आप लोगों को, अगर उसमें 2-4-6 गलत हो जाते हैं तो उनको आप सही कर लीजिएगा और उसमें टेंशन न लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जैसे लिखते हैं कि ये सर गलत है, इसको आप सुधारिए, तो उसको ज़रूर मैं सुधारता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 513। सफरी झोले में किसकी रचना है? अज्ञे, अजित कुमार पंत, महादेवी वर्मा। 513 का आपका दो सही है, अजित कुमार। 514 ज्योतिर्पुंज हिमालय किसकी रचना है? राहुल संस्कृत्यायन, दिनकर, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर द्विवेदी। 514 का आपका तीन सही है, विष्णु प्रभाकर। आइए प्रश्न 515 की बात करते हैं। प्रश्न 515, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, अजित कुमार, अज्ञे बच्चन। 515 का आपका पहला सही है, भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट 516, तंत्र लोक में मंत्र लोक तक किसकी रचना है? यानी तंत्र लोक से मंत्र लोक तक किसकी रचना है? प्रभाकर द्विवेदी, देवेंद्र सत्यार्थी, बेनी पुरी, डॉक्टर नगेंद्र। 516 का आपका ऑप्शन चार सही है, डॉक्टर नगेंद्र। 516 का चार सही है। आइए प्रश्न हम देखते हैं 517, धूप में सोई नदी किसकी रचना है? काका कलेलकर, प्रभाकर द्विवेदी, मोहन राकेश, रामदर्श मिश्र। 517 का आपका दूसरा सही है, प्रभाकर द्विवेदी। 518, किन्नर देश में किसकी रचना है? राहुल पंत, यानी राहुल की पंत की, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 518 का आपका पहला सही है, राहुल। नेक्स्ट 519, सुबह के रंग किसकी रचना है? यशपाल, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, अजित कुमार। 519 का आपका दूसरा सही है, अमृत राय। 520,
अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्त का प्रकरण है? आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। थोड़ी सी मैं इधर कर दूं तो दिखाई देगा पूरा, ये लीजिए छोटा भी कर दिया। ठेले पर हिमालय, मेरी यूरोप यात्रा, अप्रवासी की यात्राएं, चीड़ों पर चांदनी। 520, 520 का आपका तीसरा सही है, अप्रवासी की यात्राएं। प्रश्न आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संस्मरण तथा रेखाचित्र। जो डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की पुस्तक हम लोगों ने कंप्लीट की, आज लगभग प्रगतिवादी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जिसमें से आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग पूरा हमने कंप्लीट कराया। लगभग 2000 से ऊपर प्रश्न हैं इसके बहुविकल्पी। अगर आप इनको कंप्लीट करते हैं, अच्छे से तैयार करते हैं, तब किसी भी एग्जाम में आपको ये लाभ पहुँचाएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर इनको शुरू से देखें आदिकाल से, और आप इसमें लाभान्वित होंगे। आइए शुरू करते हैं संस्मरण। 521, संस्मरण तथा रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? हंस, जागरण, माधुरी, विधा, बताइए। 521, 521 का पहला सही है आपका, जिसमें हंस। निम्नलिखित संस्मरण तथा रेखाचित्र के रचयिता हैं, आइए देखते हैं। 522, हमारे आराध्य किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र अस्क, बनारसी दास चतुर्वेदी। 522 का आपका जो आंसर है वो है चौथा, बनारसी दास चतुर्वेदी। 522 का आपका चौथा सही है। आइए प्रश्न हम बात करते हैं 523। 523, प्राणों का सौदा किसकी रचना है? श्री राम शर्मा, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। आइए 523, 523 का पहला सही है आपका, और वो है आपका श्री राम शर्मा। 524, मील के पत्थर किसकी रचना है? यशपाल, बेनीपुरी, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। 524, 524 का आपका दूसरा सही है बेनीपुरी। 525, स्मारिका किसकी रचना है? अजित कुमार, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 525 का आपका तीसरा सही है महादेवी वर्मा, ये लीजिए। आइए आगे देखते हैं प्रश्न 526। प्रश्न 526, पुरानी स्मृतियां किसकी रचना है? अस्क, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र, प्रकाश चंद्र गुप्त। 526 का चार सही है प्रकाश चंद्र गुप्त। 527, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, उग्र, जगदीश चंद्र माथुर। 527 का जो है आपका ऑप्शन पहला सही है वो है वेनीपुरी, इनका पूरा नाम रामब्रज वेनीपुरी है। आगे 528, जिंदगी मुस्कराई किसकी रचना है? कृष्णा सोपती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नगेंद्र नामवर सिंह। 528 का आपका दूसरा सही है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 529, नई
पीढ़ी नए विचार किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रेणु, भारत भूषण। 529, 529 का आपका पहला सही है वो है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। आइए प्रश्न 530, सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, यशपाल, श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा। 530, 530 का तीन है श्री राम शर्मा। 531, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रांगे राघो, निर्मल वर्मा। 531, 531 का आपका पहला सही है महादेवी वर्मा। 532, ए और वे किसकी रचना है? विष्णु, प्रभाकर, अज्ञेय, जैनेन्द्र, मोहन, राकेश। 532, 532 का तीन सही है आपका वो है जैनेन्द्र। आइए प्रश्न 533, 533, मंटो मेरा दुश्मन किसकी रचना है? सर्वेश्वर, अश्क, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर। 533, 533 का आपका दो सही है अश्क। 534, जिनके साथ जिया किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। 534, 534 का आपका पहला सही है वो है अमृतलाल नागर। 535, माटी हो गई सोना, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, प्रेमचंद, कन्हैया लाल मिश्र। बताइए किसकी रचना है? 535, 535 का आपका उत्तर चार सही है वो है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। आइए आगे बात करते हैं हम 536, जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है? बच्चन, वेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर। 536, 536 का आपका दूसरा सही है वो है वेनीपुरी। 537, नए पुराने झरोखे किसकी रचना है? बच्चन, रेणु, श्री राम शर्मा, महादेवी। 537, 537 का आपका पहला सही है बच्चन। 538, आइए 538 देखते हैं, रेखाएं और चित्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र, अस्क, श्री राम शर्मा, रंगे राघव। 538, 538 का आपका दूसरा सही है वो है अश्क। 539, स्मृति लेखा किसकी रचना है? अज्ञेय, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। 539, 539 का आपका पहला सही है अज्ञेय। 540, समय के पांव किसकी रचना है? सर्वेश्वर, माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, अस्क। बताइए 540, 540 का दूसरा सही है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं 540 के बाद 541, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, महादेवी वर्मा, दिनकर। 541, 541 का पहला सही है विष्णु प्रभाकर। 542, जिन्होंने जीना जाना किसकी रचना है? यशपाल, जगदीश चंद्र माथुर, श्री राम शर्मा,
अमृतलाल नागर। 542, 542 का दूसरा सही है जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट 543 की हम बात करेंगे। 543, हरिऔध जी का संस्मरण किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रेणु रामचंद्र शुक्ल। 543, 543 का पहला सही है बाल मुकुंद गुप्त। 544, लाल तारा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, अस्क, वेनीपुरी, अग्गे। 544, 544 का आपका तीसरा सही है वेनीपुरी। 545, ज्यादा अपनी पराई कम, दिनकर, अस्क, यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी, बताइए कौन सा सही है। 545, 545 का आपका ऑप्शन है दूसरा और वो है अस्क। 546, प्रश्न नंबर 546, अनुमोदन का अंत किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, दिनकर। 546, 546 का पहला सही है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 547, अतीत के चलचित्र जैनेन्द्र, कृष्णा शोभती, डॉक्टर नगेंद्र महादेवी वर्मा। 547, 547 का चार सही है वो है महादेवी वर्मा। आइए प्रश्न 548 देखते हैं। 548, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, रेणु। 548, 548 का पहला सही है राम वृक्ष बेनीपुरी। 549, 10 तस्वीरें किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर, अग्गे, जगदीश चंद्र माथुर, रांगे राघो। 549, 549 का तीसरा सही है जगदीश चंद्र माथुर। 550, लोकदेव नेहरू किसकी रचना है? प्रसाद, दिनकर, अमृत राय, प्रेमचंद्र। 550, 550 का दूसरा सही है दिनकर। प्रश्न 551, 551, मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, शिवपूजन सहाय, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र। 551 का बताइए पहला सही है आपका महादेवी वर्मा। 552, वे दिन वे लोग किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, शिवपूजन सहाय, देवेंद्र सत्यार्थी, भागीरथ मिश्र। 552, 552 का दूसरा सही है शिवपूजन सहाय। 553, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, पंत, कन्हैयालाल मिश्र, महादेवी वर्मा। 553, 553 का आपका तीसरा सही है वो है कन्हैयालाल मिश्र। 554, रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, रेणु। 554, 554 का आपका चार सही है वो है रेणु। 555, चेतना के बिंब किसकी रचना है? कृष्णा शोभती, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, रेणु। ये अब बताइए 555, 555 का आपका तीसरा सही है वो है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 556, 556 देखते हैं। प्रसाद और उनके समकालीन किसकी रचना है? आइए इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं को देखते हैं।
पहला दिया है सर्वेश्वर, दूसरा है विनोद शंकर व्यास, तीसरा है शमशेर और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। बताइए बताइए, 556। 556 का आपका दूसरा सही है, विनोद शंकर व्यास। आइए प्रश्न 557 देखते हैं। प्रश्न 557, हम हसमत किसकी रचना है? कृष्णा शोभती, मंजुल भगत, रघुवीर सहाय, रेणु। 557, 557 का पहला कृष्णा शोभती। 558, लीक अलीक किसकी रचना है? अज्ञे, जैनेन्द्र, भारत भूषण अग्रवाल, प्रेमचंद्र। 558, 558 का तीन सही है, भारत भूषण अग्रवाल। 559, संस्मरणों के सुमन किसकी रचना है? उग्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, निराला, जैनेन्द्र। 559, 559 का आपका आंसर सही है, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न 560, 560, मेरे अग्रज मेरे गीत किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, रघुवीर सहाय, डॉक्टर नगेंद्र। 560, 560 का आपका उत्तर है पहला विष्णु प्रभाकर। 561, वन तुलसी की गंध किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, विद्या निवास मिश्र, अज्ञे, रेणु। 561, 561 का चौथा सही है रेणु। आइए हम अब रिपोर्टार्ज देखेंगे। आपके सामने अब रिपोर्टार्ज हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। 562, हिंदी में रिपोर्टार्ज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? निर्मल वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रभाकर माचवे, अज्ञे। बताइए। 562, 562 का दो सही है, शिवदान सिंह चौहान। 563, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टार्ज लेखक माना जाता है? लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, सर्वेश्वर। 563, 563 का पहला सही है लक्ष्मीपुरा। 564, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टार्ज है? अस्क, जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा, प्रसाद। 564, 564 का आपका पहला सही है अस्क। आइए प्रश्न 565 देखते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टार्ज के लेखक हैं? निराला, पंत, शमशेर, सर्वेश्वर। 565, 565 का उत्तर तीन सही है शमशेर। 566, अपोलो का रथ किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, रेणु, सती कुमार। बताइए। 566, 566 का दूसरा सही है वो है श्रीकांत वर्मा। 567, क्रांति करते हुए आदमी का देखना, क्रांति करते हुए आदमी का देखना, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, मन्नो भंडारी। पाँच सौ सड़सठ का आपका पहला सही है और उत्तर है कमलेश्वर। क्रांति करते हुए आदमी को देखा, तो इस प्रकार भी कहीं कहीं लिख के आता है।
तो वही रचना है ये। नेक्स्ट 568 एकलव्य के नोट्स किसकी रचना है? नंदलारे वाजपेयी, अग्गे, दिनकर, रेणु। बताइए इस रचना को जो है टीजी टू पीजी में एक दो बार पूछा गया है। 568 का आपका चार सही है, रेणु। नेक्स्ट 569 क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? किसकी रचना है? शमशेर, सती कुमार, सर्वेश्वर, राजेंद्र यादव। 569 का दूसरा सही है सती कुमार। 570 प्राग एक शब्द किसकी रचना है? सर्वेश्वर, निर्बल वर्मा, जैनेन्द्र, श्रीराम शर्मा। बताइए 570 का दो सही है निर्मल वर्मा। आइए प्रश्न 571 देखते हैं। एक सेकेंड 571 ये लीजिए 571 प्रश्न। युद्ध यात्रा किसकी रचना है? शमशेर, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय। 571 का आपका दो सही है धर्मवीर भारती। अब आइए पत्र पत्रिकाएं कुछ दी गई हैं, क्योंकि डॉक्टर पूरन चंद टंडा जी ने सारी चीज़ें समेटने की कोशिश की है थोड़ी थोड़ी करके, कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की परीक्षा देंगे जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यूजीसी नेट है, तो वहाँ पर इन प्रश्नों को जो है अधिक महत्व दिया जाता है। आइए हम देखते हैं पत्र और पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है, निम्नलिखित पत्र और पत्रिकाओं के संस्थापक क्या हैं? ये बताना है आपको संस्थापक कौन है। आइए हम 572 की बात करते हैं। नई कविता पत्रिका किसकी है? धर्मवीर भारती यानी संपादक कौन है? श्री कांत वर्मा, जगदीश गुप्त, नरेश मेहता। 572 का तीन सही है जगदीश गुप्त। 573 निकस पत्रिका के संपादक कौन है? इला डाल मिया, धर्मवीर भारती, भारतेंदु, श्रीधर पाठक। 573 का दूसरा सही है धर्मवीर भारती। आइए प्रश्न देखते हैं 574 प्रश्न 574 पूर्व ग्रह पत्रिका किसकी है? अजीत कुमार, राजेंद्र यादव, विजयेंद्र स्नातक, अशोक वाजपेयी। 574 का चार सही है अशोक वाजपेयी। 575 पहल पत्रिका के संपादक हैं ज्ञान रंजन, नरेश मेहता, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 575 का आपका पहला सही है ज्ञान रंजन। पहल के जो संपादक थे वो कौन है? ज्ञान रंजन। नेक्स्ट 576 की बात करेंगे, थोड़ी और छोटा की ले रहे हैं, ये लीजिए 576 आलोचना पत्रिका किसकी है? अशोक वाजपेयी, प्रकाश जैन, विजय देव नारायण शाही, कृष्ण बिहारी मिश्र। बताइए 576 का आपका तीसरा सही है और वो है आपका विजय नारायण शाही। 577 नई कविता का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1964,
1958-1970, 570, 570 का आपका दूसरा सही है 1954। प्रश्न 568 की बात करेंगे, 578। आइए प्रश्न देखते हैं 578। पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। 578, 578 का पहला सही है भोपाल। 579, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है माना जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली। 579, 579 का पहला ऑप्शन सही है इलाहाबाद। 580, कादंबिनी पत्रिका के संपादक हैं नरेंद्र मेहता, राजेंद्र अवस्थी, प्रभास जोशी, राजेंद्र यादव। बताइए 580, 580 का दूसरा ऑप्शन सही है राजेंद्र अवस्थी। प्रश्न 581, 581, हंस पत्रिका के संपादक हैं निर्मल वर्मा, अग्गे, राजेंद्र यादव, प्रभास जोशी। 581, 581 का तीन सही है राजेंद्र यादव। याद रखिएगा क्योंकि संपादक दो दो तीन तीन हो सकते हैं, क्योंकि किसी के हाथ में कभी आई, किसी के हाथ में कभी आई, क्योंकि हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद ने भी संपादित की। आइए आगे देखते हैं 82, 582, 582, हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, राजेंद्र यादव, नगेंद्र, विजयेंद्र स्नातक। 582, 582 का आपका पहला सही है रामस्वरूप चतुर्वेदी। 583, हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है? मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, जगदीश गुप्त, अग्गे। 583, 583 का चार है अग्गे। आइए प्रश्न देखते हैं 584। हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? यह हाइकू एक काव्य शैली है, चीन की है, जापान की है, अमेरिका की है कि रूस की है? 584, 584 का दूसरा सही है जापान। तो ये जो काव्य शैली है ये जापान की मानी जाती है, कौन सी? हाइकू। ठीक है, तो ये आज जो है आपका प्रगतिवादी पूरा हो गया। इसके बाद मैं आपको डॉक्टर पूरनचंद टंडन द्वारा लिखित वस्तुनिष्ठ पुस्तक के आगे जो है काव्य शास्त्र दिया गया है मैं उसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा, इसके बाद रिवीजन कराऊंगा, फिर डॉक्टर पूरनचंद टंडन द्वारा लिखित पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है इसके पीछे थ्योरी दी गई है, कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास से, कुछ आपकी भाषा विज्ञान से, कुछ आपके मतलब सामान्य हिंदी से, व्याकरण वगैरह, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप डेली इसमें बने रहिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं अगला पार्ट काव्य शास्त्र लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।